Hello friends, this is Arun, Kumar, Singh, and in this video we are going to learn about how to memorize the things. So I am going to give you some tips. ये tips आपको बहुत help करेगा कि हम चीजों को कैसे memorize कर सकते हैं. Friends, memorize हम करने का प्रयास करते हैं वैसे चीजों को जिसे हम समझ नहीं सकते हैं या समझ नहीं पा रहे हैं. It goes off very easily. तो मेमोराइज करने का बहुत अच्छा तरीका है. वी नीड टू अंडरस्टैंड इट. आप इसको समझने का प्रयास कीजिए. अगर समझ के उसे याद करेंगे इट विल बी फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपके साथ लंबे समय तक रहेगा. आप जिस चीजों को नहीं समझते हैं आप याद कर लेते हैं, अगले पल ही उसे भूल जाते हैं. तो वी नीड टू डेवलप अ हैबिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट. और जब आप उसको समझ के याद करेंगे इट विल बी परमानेंट, ये ज्यादा समय तक आपके साथ रहेगा. एंड मेक ए नोट ऑफ नेसेसरी पॉइंट ऑल्सो. जो आपने चैप्टर पढ़ा उसमें से जो की पॉइंट्स है आप उसको उसका एक नोट्स बनाइए. जब हम भी पढ़ाई करते थे या करते हैं तो वी टेक नोट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. बिकॉज कहा जाता है कि एक पैराग्राफ में देर आर 5 to 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली. इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं पूरा एक पैराग्राफ पढ़ूं और पूरा पैराग्राफ को मुझे याद रखने की जरूरत है. उसमें 5 से 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसकी पॉइंट्स को हमें नोट डाउन कर लेना है. दैट इज द इजिएस्ट थिंग वी कैन डू. एंड नेक्स्ट इज मेक अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अब जब हम एक लिस्ट बना रहे हैं तो आपका जो इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए स्टार्टिंग में होनी चाहिए. एंड वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो होना चाहिए वो एंड में भी होना चाहिए. उसके बीच में अनइंपॉर्टेंट को आप जगह देंगे तो आपको अनइंपॉर्टेंट भी याद रहेंगे. सो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो स्टार्टिंग में और एंडिंग में होना चाहिए. बिकॉज अंत तक आपका इंटरेस्ट बना रहे इसके लिए इंपॉर्टेंट लास्ट में भी होनी चाहिए. जितनी देखा गया है कि हम 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट तक याद करते हैं उसके बाद नीचे के पॉइंट पे छोड़ देते हैं. बिकॉज दिस इज नॉट नेसेसरी. लेकिन आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को लास्ट में रखा है तब आप पूरी सीरीज को याद करेंगे. दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट. एंड फ्रेंड्स, मेक स्टोरीज. अगर आप चाहते हैं कि कोई सीक्वेंस को याद रखे तो आप एक स्टोरीज बनाइए. मीन्स देयर शुड बी लिंकिंग प्रोसेस. आप एक उसे लिंक करके स्टोरी बना सकते हैं. एंड व्हेन यू आर मेकिंग दिस स्टोरी, स्टोरीज हमें बहुत आसानी से याद रहते हैं. आप बच्चों में भी देखिए, उन्हें स्टोरी बहुत आसानी से याद होता है. आप अगर वो मूवी देखते हैं, मूवी में अगर स्टोरी है उन्हें स्टोरी आप बहुत लंबे समय तक याद रहता है. आप उन्हें कुछ चीज टफ चीजें समझा रहे हैं, स्टोरी के रूप में उनको समझा दीजिए. दे विल बी अंडरस्टैंडिंग इट. एंड फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं कि मेमोरी की तो आगे जो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू यूज अ VAK मेथड. वी स्टैंड्स फॉर विजुअल आईज एंड ए स्टैंड्स फॉर ऑडिटरी आवर ईयर्स एंड की स्टैंड्स फॉर मसल्स काइनेस्थेटिक. VAK विजुअल ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक. तो बच्चों में ये तीनों मोड मिस. इसमें हम आईज को भी यूज करते हैं, ईयर्स को भी यूज करते हैं एंड स्किन को भी यूज करते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आईज के लिए कहा जाता है लेट्स सी. देखो, ध्यान से देखो. आप देखे हो, आप ये आपने ये सुना होगा या आपने से जो भी टीचर्स है या ट्रेनर्स है हम हमेशा कहते हैं लेट्स सी ऑन द बोर्ड. एंड ईयर्स लिसन टू मी, हम हमेशा कहते हैं लिसन टू मी. तो एंड नेक्स्ट इज स्किन, लेट्स डू इट. तो लुक एट द बोर्ड. आप जो बोर्ड पे दिखाते हैं आईज का यूज होता है, लिसन टू मी कान ईयर्स के यूज होते हैं एंड लेट्स डू इट. या उसे जब हम लिखते हैं वी आर यूजिंग VAK. और कहा जाता है कि बच्चे अगर किसी चीज को देखते हैं उसके बाद सुनते हैं और उसके बाद उन्होंने लिख लिया
it becomes permanent. इसे जब हम learn भी करते हैं, same time also we need to follow the same protocol. VAK system को use करना है. And friends, आज के समय में बहुत आसान हो गया है बच्चों को किसी चीज को. अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे मुझे ये क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है, just record it on your smartphone. सभी के पास अब पहले टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, अभी टेप रिकॉर्डर आउटडेटेड हो चुका है, बट वी हैव स्मार्टफोन्स, वी कैन रिकॉर्ड इट बिकॉज वी आर यूजिंग स्मार्टफोन फॉर अदर पर्पसेस. गेमिंग एक्टिविटी के लिए हम यूज करते हैं, व्हाई डोंट वी यूज इट फॉर राइट पर्पस. रिकॉर्ड दैट क्वेश्चन, उसके आंसर्स जो है आप रिकॉर्ड कर लीजिए एंड लिसन इट, क्योंकि आपने उसको देखा, आपने सुना, नाउ यू आर जस्ट लिसनिंग दोज थिंग, दो बार तीन बार आप अपनी आवाज को ही सुन रहे हैं. एंड एवरीवन लव्स टू लिसन हिज और हर ओन वॉइस. ये बहुत बड़ी राज है, सभी लोगों को अपनी वॉइस सुननी बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट मेलोडियस साउंड. पूरी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सुंदर अपनी वॉइस लगती है, तो बच्चे उसे बहुत जल्दी से याद रखेंगे. सो फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप. एंड विजुअलाइज, लास्ट में आपने चीजों को कर लिया, नाउ विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें इसे अपने माइंड साइड में देखना है, हमें अपने मेंटल स्क्रीन में देखना है. वट एवर वी हैव लर्न्ड, जस्ट क्लोज योर आइज एंड सी. आप अपने उस पिक्चर्स, उस पेज को आप देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं. वी नीड टू डेवलप दिस हैबिट इन आवर चिल्ड्रन. हमें अपने बच्चों में, अपने स्टूडेंट्स में, अपने ट्रेनिंग्स में ये हैबिट डेवलप करानी होगी. और विजुलाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगा व्हेन दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट. जब वो प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, इनिशियली दे कैन कंप्लेन, आई एम नॉट एबल टू विजुलाइज. एवरीवन कैन विजुलाइज, बिकॉज वेन एवर आई गो फॉर वर्कशॉप, मैं जहां भी वर्कशॉप के लिए जिस स्कूल में भी जाता हूं, आई ऑलवेज आस्क स्टूडेंट टू विजुलाइज एंड दे विजुलाइज. अगर आप इसको आजमाना चाहते हैं, आप किसी भी बच्चे को बोले कि जस्ट क्लोज योर आइज एंड यू गो टू योर फील्ड, एंड इफ ही इज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, टेक द बैट एंड गो टू द क्रीज एंड देयर इज अ हाफ ऑफ, अगर फुल टॉस बॉल मिला एंड जस्ट हिट इट सिक्स, you will see that there is a kinesthetic, because kinesthetic feeling आएगी उसमें. क्योंकि बच्चा जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है या कोई डांस में इंटरेस्टेड है, आप उसे डांसिंग फ्लोर पर भेज रहे हैं एंड सिर्फ विजुअलाइजेशन में आप भेज रहे हैं. एंड इफ यू प्ले अ ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर हिम और हर, यू विल सी दैट दे हैव स्टार्टेड डांसिंग. Same thing you can do for other thing also. So visualization mein things are possible. We do the things. Aisa nahi hai ki hum actually jo karte hain uske bina, agar hum visualize bhi kare, same effect is there. So visualization se hum cheezon ko strong kar sakte hain. So friends, we can learn thing, we can memorize thing by visualization. So these are the tips to increase your memory power. हम किसी चीज को याद कर सकते हैं एंड जब हम इसे रिपीटेडली करेंगे, वी कैन लर्न इट फॉर अ लॉन्गर टाइम. सो फ्रेंड्स, आने वाले वीडियो में हम और ढेर सारी बातें करेंगे कि बिकॉज आवर मिशन इज टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, दिस इज आवर मिशन. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू वेरी मच.